नमस्कार, मैं मेघा गंगवार और आप देख रहे हैं द ग्राउंड न्यूज। गुरुग्राम वासी लंबे समय से अपनी नजरें नगर निगम चुनाव पर टिकाए हुए हैं। लोगों को नगर निगम चुनाव का इंतजार है। अब समय आ चुका है, किसी भी वक्त सरकार की ओर से चुनावों की तारीखों का ऐलान हो सकता है। इसी क्रम में आज हमारे स्टूडियो में बेहद खास शख्सियत मौजूद हैं, जो लंबे समय से राजनीति से जुड़े हुए हैं और लगातार जनता की भलाई में कार्य करते आ रहे हैं। 2017 में गुरुग्राम में जो नगर निगम चुनाव रहे थे, उसमें भी ये पार्षद उम्मीदवार के तौर पर इन्होंने हिस्सा लिया था। इस बार भी ये वार्ड नंबर 33 से पार्षद उम्मीदवार हैं और इनके द्वारा कराए गए मैं कामों की बात करूँ तो चाहे अवैध ठेकों को बंद कराना हो या फिर अवैध मीट की दुकानों को बंद कराना हो, पुरानी स्ट्रीट लाइट्स को ठीक कराना हो, नई स्ट्रीट लाइट्स लगाना हो या फिर लोगों की आधार कार्ड से जुड़ी समस्या को हल कराना हो, अगर मैं अभी इनके द्वारा कराए गए कामों की गिनती कराने लगूं तो बहुत लंबा समय निकल जाएगा। तो रुक करते हैं सीधे प्रशांत भारद्वाज जी से। तो सबसे पहले सर, मैं अपने स्टूडियो में आपका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। नमस्कार जी। तो आप लंबे समय से क्योंकि राजनीति से जुड़े हैं और जनता से जुड़े हैं, तो मैं आपसे यही जानना चाहूंगी कि जनता के मुद्दे क्या हैं, गुरुग्राम के लोगों की असल समस्या क्या है और खासकर आपके वार्ड के लोगों के मुख्य मुद्दे क्या हैं? देखिए जी, हमारा वार्ड लक्ष्मण विहार वार्ड नंबर 33 के अंतर्गत आता है, जिसके अंदर सेक्टर 4 और लक्ष्मण विहार दो ही एरिया आते हैं। पॉपुलेशन की बात करें, 40,000 की पॉपुलेशन है और 27,000 वोटर है हमारे। किसी भी एरिया का आदमी, किसी भी वार्ड का आदमी या किसी भी क्षेत्र का आदमी ये चाहेगा कि उसको मूलभूत सुविधाएं ढंग से मिलती रहे, ताकि वो अपनी जीविका चलाने के लिए, अपने परिवार का पालन पोषण करने के लिए अपना काम निरंतर रूप से कर सके। और सिर्फ यही है कि उसको बिजली पानी, सड़क सीवर, सफाई, उसके जो वोटर आईडी है, आधार कार्ड है, जितने भी डॉक्यूमेंट्स है, इनकी कार्रवाई, सभी काम, सरकारी काम तरीके से होते रहे। सिर्फ यही डिमांड होती है एक आम आदमी की। तो सर, जैसे कि एक कूड़े के कचरे के ढेर की एक मुख्य समस्या है, जितना हमने सर्वे किया है और देखा है, जगह जगह पर कचरे के ढेर लगे हुए हैं, जिसकी वजह से बीमारियां पनप रही हैं। तो इस दिशा में आपकी ओर से क्या प्रयास किया गया है और किया जाएगा? देखिए, हमारे पास तो कोई भी कंप्लेंट आती है, हम उसका समाधान तुरंत रूप से करवाते हैं, लेकिन मैं इसका बताना चाहूंगा कि जिस व्यक्ति का जो काम है उसको वही करना चाहिए। ये काम निगम का है। जब हम लोग हर चीज़ का टैक्स दे रहे हैं समय से, तो ये सरकार का दायित्व बनता है कि वो उस कूड़े को उठवाए वहाँ से। लेकिन अगर आप देखेंगे कि हर वार्ड के अंदर पार्षदों ने सिर्फ खाने का ठेका बना रखा है, उनको 8 गाड़ियाँ लोड की जाती है, वहाँ पे चलती है सिर्फ 4 गाड़ियाँ, लेबर 10-10 लेबर दी जाती है, 20-20 सफाई कर्मचारी दिए जाते हैं, लेकिन वहाँ चलते आधे, सैलरी सभी की दी जाती है, सिर्फ खाने पर उन लोगों का ध्यान है, सफाई व्यवस्था पर बिल्कुल ध्यान नहीं है। इसीलिए हमारे यहाँ पे घोटाले होते रहते हैं और आए दिन आपने देखो कूड़े के ढेर लगे हुए हैं गुड़गांव के अंदर, जिससे कि गुड़गांव जो स्मार्ट सिटी के अंतर्गत आता था, आज वो कूड़ा सिटी के अंतर्गत आता है। जी, तो अगर मैं बिजली की बात करूँ, बिजली और पानी से जुड़ी समस्याओं के विषय में आप क्या सोच रहे हैं? देखिए बहन जी, बिजली की अगर हम बात करें तो हमारे वहाँ पे लक्ष्मण विहार के अंदर, मैं तो अपने वार्ड का बताऊंगा आपको, लक्ष्मण विहार के अंदर अभी कुछ दिन पहले गौ माता का निधन हुआ है बिजली के कारण। उनके तार बहुत नीचे आ रखे हैं, बार बार कंप्लेंट करने के बाद भी वो लोगों को बजट पकड़ा देते हैं कि आपका अगर हम तार ठीक करेंगे तो ये बजट है, खंबा चेंज करेंगे तो ये बजट है। मेरी समझ में नहीं आता, जब हम हर बिजली का काम दे रहे हैं, उनको फीस दे रहे हैं, अपना बिजली का बिल भर रहे हैं, तो काम उनको करना चाहिए। बिजली की बहुत बड़ी लापरवाही है हमारे वहाँ पर। दूसरी चीज़ पानी का, पानी का हमारा चंदू से आने वाली लाइन, हमारे वहाँ पे सीधी कनेक्ट थी लक्ष्मण विहार में, 24 घंटे पानी आता था, लेकिन हमारे वहाँ के एक अनपढ़ पार्षद ने उस लाइन को वहाँ से हटवा कर और सूर्य विहार वाली लाइन में जुड़वा दिया, जिसके कारण लोगों को अब समस्या का सामना करना पड़ रहा है। लोगों के घरों में पानी नहीं आ रहा है। कारण बताता हूँ किस लिए बंद करवाया गया था, ताकि वो जब चाहे, जब उनका जी चाहे, जब वो पानी चलवाए, जब चाहे जब बंद करवा दें, ताकि लोग बाग उनके पास आए, उनके पैर पकड़े, उनके साथ फोटो खिंचवाए, सिर्फ ये कारण था। तो फिर कमी अनपढ़ पार्षद की आती है। जी, तो जैसा कि अभी हमने मुद्दों की बात करी, अब मैं निवारण की बात करूं, तो अगर आपको जनता प्रतिनिधि के रूप में चुनती है, तो आप इन समस्याओं को कैसे डील करेंगे और कैसे इनका निवारण निकालेंगे? देखिए जी, समस्या का समाधान बहुत आसान है। पिछले 10 साल से मैं अकेला, बिना किसी निगम अधिकारी के सहयोग के बिना, अकेला अपने वार्ड की जितनी भी समस्याएं आती है उन्हें समाधान करवाता हूँ, छोटी से छोटी और बड़ी से बड़ी समस्या का समाधान।
वो चाहे आपके एक सफाई से लेके और दारू के ठेके तक की हो, कोई भी समस्या हो समाधान हम करवाते हैं। और आने वाले समय में जनता हमारा सहयोग करती है और हमें पार्षद की सीट पर बैठाती है, तो मेरे लिए काम तो बहुत चुटकियों के समान हो जाएगा। काम करवाना होता है अधिकारियों से। अधिकारियों की नियत आप लोगों को पता है, सरकारी कर्मचारी किस टाइप के होते हैं, चाहे इसमें किसी भी सरकारी डिपार्टमेंट में आ जाओ, उनसे काम करवाने वाला आपको एक व्यक्ति चाहिए जो उनसे काम करवा सके। और मैं प्रशांत भारद्वाज, एडवोकेट प्रशांत भारद्वाज, इतनी क्षमता रखता हूँ कि किसी भी अधिकारी से उसका काम करवाने का, अगर वो काम नहीं करता है तो उसके ऊपर कंप्लेंट, मुझे ये पता है कि नीचे से लेकर ऊपर तक कंप्लेंट कहाँ की जाती है। मुझे कमीशन नहीं खाना, मुझे भ्रष्टाचार में शामिल नहीं होना उनके साथ में, काम करवाना है पब्लिक का, और काम करवाने के लिए मैं सक्षम हूँ और करवा सकता हूँ। तो जैसे कि सरकार की ओर से कोई भी स्कीम आती है, कोई भी योजना आती है, तो अभी अवेयरनेस नहीं होती है लोगों में और वो उसका लाभ नहीं उठा पाते हैं, तो लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा उस स्कीम का लाभ मिले और वो उसको उठा पाए, जितना भी डॉक्यूमेंटेशन का कार्य होता है, तो उस विषय में आपकी ओर से क्या पहल? देखिए बहन जी, इसमें दो बातें हैं। अभी फिलहाल जो हमारे वहाँ के पार्षद है वो है अनपढ़, और जितनी भी सरकारी सुविधाएं हमारे यहाँ पे आती है, आज मैं गारंटी देता हूँ, आज मैं आपके चैनल के माध्यम से मैं आपको बता भी रहा हूँ और ये वो देखेंगे भी, उसके बावजूद भी अगर वो सरकारी 10 सुविधाएं बता दे, या 10 तो बहुत बड़ी बात है, कोई 2 सुविधाएं बता दे जो उन्होंने अपने वार्ड में दिलवाई हो, और जबकि देखेंगे तो हर बार करोड़ों लाखों रुपए की योजनाएं लागू की जाती है। ये सिर्फ और सिर्फ पढ़े लिखे और अनपढ़ के बीच का अंतर है, जो आम आदमी को उसकी सुविधाओं का लाभ नहीं हो पाता है। हमारे सरकार में आने के बाद, हमारे पार्षद बनने के बाद, जितने भी सरकारी सुविधाएं हैं लक्ष्मण विहार के अंदर, वो सारी एक छत के नीचे मिलेगी। मेरे ऑफिस के अंदर जितने भी आपके सरकारी काम है मैं करवा के दूंगा, जितनी भी सरकारी सुविधाएं मिलती है सरकार के द्वारा, जितना भी आप लोगों को ज्यादा से ज्यादा बेनिफिट मिलेगा वो मैं दिलवा के दूंगा। तो सर, जैसे कि आप कह रहे हैं कि आप ये करवा के देंगे, तो लोगों को कैसे, मतलब क्या योजना, किस योजना के अंतर्गत आप ये करवाएंगे? क्योंकि आपने ये जो बात कही, आपने बहुत गहरा एक पॉइंट कहा है कि पढ़े लिखे और अनपढ़ के बीच का अंतर है। आप अगर देखेंगे ज़्यादातर योजना है जो गरीबों के लिए होती है, लेकिन लाभ कौन उठा रहा है? अगर सर्वे भी किया जाए तो लाभ कौन उठा रहा है? अमीर ज़्यादातर लाभ उठा रहे हैं, पढ़े लिखे ज़्यादा लाभ उठा रहे हैं, क्योंकि उन्हें उस चीज़ की नॉलेज है कि कैसे सरकार से उस योजना का लाभ हमें लेना है। तो ऐसे में गरीब या फिर जो अशिक्षित लोग हैं, माँ बेटियां हैं जिनको, जिनका कोई सहारा भी नहीं है, तो उनको आप कैसे, किस योजना के अंतर्गत इन योजनाओं का लाभ पहुंचाएंगे? देखिए जी, हमारा वार्ड, मैंने आपको पहले बताया था, लक्ष्मण विहार और सेक्टर 4 बहुत छोटा सा वार्ड है हमारा। मैं अगर आज सुबह और शाम पैदल भी घूमता हूँ ना, तो मैं एक दिन के अंदर अपने पूरे वार्ड के अंदर घूम जाता हूँ, जो कि मेरा पिछले 5 साल से लगातार का नियम है। मुझे हर घर का पता है कि कौन घर गरीब है, कौन घर अमीर है, किसको ज्यादा जरूरत है, क्योंकि लोग बाग जब मैं सुबह घूमने जाता हूँ और शाम को घूमने जाता हूँ ना, तो लोग बाग मुझे गलियों में बता देते हैं कि हमारा ये काम है, और मैं वो डायरी में नोट करके उनका काम करवाता हूँ। तो ये तो बहुत छोटा सा काम है, मुझे ये पता करना कि किसके लिए क्या जरूरत है। और इस काम के लिए मैं बहुत जल्दी अपने वार्ड की एक ऐप तैयार करवाने वाला हूँ, क्योंकि मैं हर काम इसी तरीके से करता हूँ, मैं एक बिजनेसमैन भी हूँ। एक ऐप तैयार होगी जो हर आदमी के मोबाइल के अंदर डाउनलोड होगी, आपने कोई भी शिकायत करनी है वार्ड से संबंधित, वो उस ऐप के थ्रू हमारे पास भी जाएगी, अधिकारियों के पास भी जाएगी। आपको कोई सरकारी सुविधा का लाभ उठाना है, हर सरकारी सुविधा की एंट्री उस ऐप के अंदर होगी। जिस आदमी के पास स्मार्टफोन नहीं है उसके घर तक हम खुद जाएंगे, हमारी टीम जाएगी, और हम सारी सुविधाओं का लाभ उनको दिलवा के रहेंगे। सर, ऐप बनाने की ओर काम होना शुरू हो चुका है या फिर ये अभी आपकी भावी आने वाले समय में आप सोच रहे हैं, ये प्लान? देखिए जी, मेरा बिजनेस का ऐप है वो भी हमने तैयार करवाया था जी। अभी एक फ्री एम्बुलेंस चैरिटेबल ट्रस्ट जो गुड़गांव के अंदर बहुत जल्दी चलने वाली है, उसकी भी ऐप हमने तैयार करवाई है। ये ऐप समय के अनुसार तैयार होती है, और ऐप तैयार होने में सिर्फ 15 दिन का समय लगता है, इसका डाटा तैयार करने में भी 15 दिन का समय लगता है। तो ये तो वो है कि जैसे ही हमारे पास सीट आती है, मेरे पास पूरी टीम है ऐप तैयार करवाने के लिए, ये तो सिर्फ 1 महीने का काम है। 1 महीने के अंदर मैं ये सौगात अपने लक्ष्मण विहार वासियों, सेक्टर 4 वासियों को दूंगा कि वो एक मोबाइल के माध्यम से सिर्फ एक क्लिक पे अपनी जितनी भी शिकायत है वो अधिकारियों के पास ही भेजेंगे और हमारे पास भी आएगी। अगर अधिकारी उस ऐप पे काम नहीं करेंगे, उस शिकायत पे काम नहीं करेंगे, तो फिर काम हमारा है उनका काम पूरा करवाने का। तो जैसा कि अभी चुनाव नजदीक ही है, किसी भी समय में इस अगले महीने 1-2 महीने के अंतर्गत ये चुनाव हो सकते हैं। अभी सरकार की ओर से हालांकि डिक्लेरेशन नहीं हुआ है, लेकिन जल्दी अनुमान लगाया जा रहा है कि होगा। तो आपकी तैयारी को लेकर मैं आपसे पूछना चाहूँ, किस तरह की आपकी तैयारी क्या चल रही है चुनाव की?
देखिए जी, पिछले 10 साल से हम तो तैयारी कर रहे हैं, क्योंकि आपने देखा होगा, मैं आप सभी को बताना चाहूंगा कि आपके वार्ड के अंदर जितने भी कैंडिडेट खड़े हैं, आज किसी के अंदर भी क्षमता नहीं है कि प्रशांत भारद्वाज से निर्दलीय चुनाव लड़ ले। हर एक कैंडिडेट सिर्फ पार्टी का इंतजार कर रहा है कि वो किस पार्टी की टिकट उसको मिलेगी तो हम चुनाव लड़ेंगे। हमने पिछले 10 साल आप लोगों के बीच में रह के तैयारी की है, और मुझे तैयारी करने के लिए समय की आवश्यकता नहीं है। अगर सरकार कहती है कि 2 दिन बाद चुनाव, हम 2 दिन बाद भी तैयार हैं। हमारी सारी तैयारियां पूरी हैं और मैं 10 साल से हमेशा तैयार रहा हूँ चुनाव के लिए, और अभी भी सरकार आदेश देती है, करती है, तो हम अब भी लड़ लेंगे। 2 महीने बाद कहेगी, 2 महीने बाद भी, तो हमें किसी चीज़ का प्रलोभन नहीं है और ना हमें किसी चीज़ की आवश्यकता है। इलेक्शन जिताना हमारी जनता को है, लड़ना हमें है। तो 2017 से या उससे पहले भी आप अब तक जनता के बीच में अक्सर देखे जाते हैं, आपको लोगों के बीच में चलते घूमते देखा जा सकता है, जहाँ पे आप वार्ड में अपने रहते हैं, अक्सर लोगों के बीच में रहते हैं, तो आपको क्या लगता है, मतलब मैं आपसे यही सीधा सवाल करना चाहूंगी, आप क्या अनुमान लगा रहे हैं? देखिए जी, पिछले 2017 के चुनाव के बाद हमारे यहाँ पे 13 कैंडिडेटों ने चुनाव लड़ा था, और 2017 के चुनाव के बाद में हमने जब अपना ऑफिस खोला तो हमारे पास लोग बाग ऐसे ऐसे आते थे कि विपक्ष का जो पार्षद है, सिटिंग कैंडिडेट है, उनके घर परिवार वाले जो वहाँ बैठते हैं, वो ये कहते हैं कि आपने वोट दिया था फलाने को तो आप उसके ऑफिस में जाओ, आपने वोट दिया था दूसरे को उसके ऑफिस में जाओ, या किसी तीसरे को, क्योंकि 13 कैंडिडेट थे। लेकिन वो बेचारे कहाँ जाते, वो सारे मेरे पास आते हैं, और मेरे पास कोई भी आए, चाहे विपक्ष का, आज मैं बताना चाहूँगा, एक बागड़ी परिवार का भी एक फैमिली मेम्बर मेरे पास भीमगढ़खेड़ी से आया था, उन्होंने एक बिजली के फाइल अप्लाई की हुई थी, उस पर साइन करवाना था, उन्होंने बागड़ी फैमिली को वो 20 दिन से फाइल दे रखी थी एक साइन करवाने के लिए, सिर्फ उसमें ये था कि मेरा घर लाल डोरे के अंदर है, पार्षद ने ये वेरीफाई करना था, लेकिन गलती उसमें ये थी कि वो इंग्लिश में लेटर था, और इंग्लिश में तो इनका पूरा परिवार ही जीरो है, तो 20 दिन से वो फाइल इनके पास अटकी रही, वो बेचारा वहाँ से उठा के लाया मेरे पास, तो उसने आते ही ये बताया कि जी मैं बागड़ी परिवार से संबंध रखता हूँ, पता नहीं आप साइन करवाओगे या नहीं करवाओगे। तो RWA की एज ए प्रेसिडेंट मैंने अपनी स्टैंप मार के उसका बिजली का मीटर लगवाया और उसको चाय भी पिलवाई। मेरे लिए भेदभाव नहीं है, अगर मेरे पास मेरा विपक्ष का एक दावेदार है, वो मंगतराम बागड़ी, अगर वो भी किसी काम के लिए आता तो मैं मना नहीं करूँगा उससे भी, मेरे अंदर भेदभाव नहीं है, मेरे को जनता का काम करना है, और उस जनता के अंतर में वो भी आते हैं बेचारे। अंत में आपसे मैं ये पूछना चाहूंगी कि जनता के लिए आपका क्या संदेश है, अगर आप प्रतिनिधि चुने जाते हैं, आपका जनता के लिए क्या एक मैसेज है जो आप देना चाहेंगे, या जनता से सीधे आप समझिए बात कर रहे हैं तो क्या कहना चाहेंगे? मैं तो सिर्फ आप लोगों से यही अपील करना चाहूंगा कि आने वाले चुनाव के अंदर किसी भी बहकावे में ना आए, किसी भी अफवाह में ना आए, किसी भी दारू के प्रलोभन में, किसी भी पैसे के प्रलोभन में ना आए। आपने मेरे को पिछले 10 साल आपके बीच में देखा है, और आने वाले भी 20-50 साल आप अपने बीच में देखोगे, ना प्रशांत भारद्वाज 2014 में जैसा था आज भी ऐसा ही है, और आगे भी ऐसा ही रहेगा। मैं सिर्फ यही कहूंगा कि किसी प्रलोभन में ना आए, किसी बहकावे में, किसी अफवाह में, सिर्फ आप ये देखें कि आपके बीच में कौन क्या काम कर रहा है, बिना किसी जाति भेदभाव के आप वोट करें, यकीन मानना कि आपके साथ बहुत अच्छा काम होगा और आपके वार्ड के लिए बहुत ज़्यादा विकास होगा। जी, बहुत बहुत धन्यवाद। तो आज हमारे साथ मौजूद थे प्रशांत भारद्वाज जी, जिनसे हमने विस्तार में चर्चा की कि वार्ड नंबर 33 लक्ष्मण बिहार के क्या कुछ मुद्दे हैं, किन मुद्दों पर काम हुआ है और किन मुद्दों पर काम होना है, और अगर प्रशांत भारद्वाज जी यहाँ से पार्षद बन के आते हैं, पार्षद के रूप में आप जनता अगर उन्हें चुनती है, तो वो किस तरह से कार्य करेंगे और उनका विजन क्या है, इस पर हमने विस्तार से चर्चा की। इसी तरह हमारे चैनल की ओर से अभी हर एक वार्ड का सर्वे किया जाएगा, तो लगातार हम आपको नगर निगम चुनाव से जुड़ी अपडेट देते रहेंगे, इसलिए हमारे साथ लगातार जुड़े रहे। मेघा गंगवार, द ग्राउंड न्यूज़।